कपिल नगर डीबी स्क्वाड के तहत कपिल नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से तंबाकू बेचने वाले आरोपी के परिसर में छापेमारी की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तंबाकू का माल जब्त कर लिया है। आरोपी निजामुद्दीन याह थोक का प्रभारी है। तंबाकू को छोटी गाड़ियों से बड़े स्टोरों में भेजा जाता है। आरोपी उपलवाड़ी वाड़ी गोविंदगढ़ का रहने वाला है और छिंदवाड़ा एमपी से तंबाकू का सामान मंगवाया जा रहा था। आरोपी के पास से कुल 14 बोरी तंबाकू जब्त किया गया है। पिछले 2 साल से चल रहे इस अवैध धंधे में करीब 5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई कपिल नगर थाना PI अमोल देशमुख के मार्गदर्शन में PSI संजय वानखेड़े, PC आशीष सातपुते, PC गणेश सहुसकड़े ने शुरू की है। आज सकाळी गोपनीय खबर मिळाली। कपिल नगर पोलीस स्टेशन आदीमध्ये उपलवाडी शहीनशाह चौक या परिसरामध्ये एक इसम त्याच्या राहत्याघरामध्ये काही प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू, गुटखा आणि पान मसाला अशा वस्तूंचा साठा करून त्याची विक्री करत आहे। त्याप्रमाणे पोलीस स्टेशनकडील तपास पथक आम्ही स्वतः त्या ठिकाणी पोहोचून खात्री केली असता त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याच्या घरामध्ये गोण्यांमध्ये माल भरून असल्या मिळून आला। तर पुढील कारवाईसाठी आपण अन्न सुरक्षा विभाग त्यांच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केलं, त्यांच्या समक्ष सदर मालाचा पंचनामा करण्यात आलेला आहे। पंचनाम्यामध्ये एकूण सध्या आतापर्यंत 5,60,000 आसपास मालाची किंमत आहे जो प्रतिबंधित माल मिळून आला त्याची। त्यातील जो आरोपी आहे तो रियाज अन्सारी राहणार ताजनगर, ज्याने त्या ठिकाणी एक किरायाने घर केलं होतं, त्या ठिकाणी तो मालाचा साठा करून विक्री करत असल्याची माहिती होती। त्याच्या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल करून पुढील तपास करीत आहोत। VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।